नमस्ते। आज हमारे चैनल वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी भारतीयों का मैं मयंक दुबे स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारा 72वां स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। उसके पहले मुगलों ने भी हम पर राज किया, मतलब सैकड़ों सालों के बाद हम भारतीय आज़ाद हुए थे और इस दिन को हम सालों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित कर देने वाला दिन है, बहुत गौरव का दिन है। हम सब भारतीय मिलकर मनाते हैं, स्कूलों में, ऑफिसेज में, हर जगह पर आज के दिन झंडा फहराया जाता है, हमारा तिरंगा लहराया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं फक्र से कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, हमारी भारत माता की जय। अब मैं जो आगे बात करने वाला हूँ उस पर हम थोड़ा से पहलू पर सोचेंगे। आज़ादी तो हमें मिली हुई है दोस्तों, 15 अगस्त के दिन ही हम लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे 365 के 365 दिन हमारे अंदर देशभक्ति की भावना रहे। हम देशभक्ति, जो हमारी देशभक्ति हर साल रहती है, वो हमें सिर्फ 15 अगस्त पर याद ना है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि 15 अगस्त पे हम जो सर ये तो हम करेंगे ही, हमारा देश आज़ाद हुआ है, सारी चीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे दिल में ये 365 दिन तक रहे, जिससे हम अपने देश को और गौरवपूर्ण बना सके। अब बात करते हैं आज़ादी की। तो भाई, हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से, सैकड़ों सालों से जो मुगलों ने राज किया उससे तो मिल गई, लेकिन हमें और भी अभी लड़ाइयाँ लड़नी है। लड़ाई है सच की, जो हमारा देश आगे बढ़ेगा उसके लिए हमें लड़ना है। हमें और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है। हमें ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट लड़ना है, हमें पॉल्यूशन के अगेंस्ट लड़ना है। अभी ऐसे कई इशू हैं जिसके अगेंस्ट हमें लड़ाई करनी है और फ्रीडम पानी है, जीतना है। तो ये जज्बा मैं हर भारतीय में देखना चाहूँगा और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, वंदे मातरम। जो मैं कहना चाहूँगा, हम भारतीयों को और कौन सी लड़ाई लड़नी, हमें करप्शन के अगेंस्ट खड़ा होना है। जो लोग करप्ट हैं उनका हमें भांडा फोड़ना है, कहने का मतलब है उन्हें जनता के सामने लाना है। बात की जाए डर्टी पॉलिटिक्स की, तो हमें डर्टी पॉलिटिशियंस को हटाना है, जो पॉलिटिक्स खराब कर रही है हमारे देश को, जो हमारे देश को आगे से बढ़ने से रोक रही है, हमें उसके अगेंस्ट लड़ाई करनी है। तो जो भी गंदगी है पॉलिटिक्स में वो हमें बाहर करनी है। ये हम पर है, हमारी वोटिंग पर है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। आगे की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, आज भी हम चैन से रह सके, इसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे मेरी पिच क्यों हाई हो गई, मैं कितना साउंड क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये आवाज दिल से आती है। जो हमारी सेना के जवान बॉर्डर पे खड़े होके हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिससे हम आसानी से रह सके, हम चैन की नींद सो सके, उनको भी हमारा सलाम है। हम सबको उन पे गौरव होना चाहिए। हमारी सेना जो आज इतनी प्रगति कर रही है और हमें भारी संकटों से बचा रही है, सैनिक जवान जो सियाचिन की ठंड में इतने टेम्परेचर में रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो क्या क्या सहते हैं यह हम सब जानते हैं। तो इस दिन क्या आप 365 दिन हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दिल से मानना चाहिए कि जो हमारी सेना है वो और ऐसे निरंतर प्रोग्रेस करते रहे, बढ़ती रहे। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे वो ये भी है कि जो हमें आज़ादी मिली ये किस वजह से मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से भी मिली। उनका जो 1857 से लेकर 1947 तक का योगदान है, उसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। तो उसकी वजह से आज हम इतने चैन से जी पा रहे हैं, नहीं तो उस वक्त अगर उनने लड़ाई नहीं की होती, उनने युद्ध नहीं किया होता, तो आज हम ऐसे आज़ादी नहीं पाए होते। तो उनको भी मेरा नमन, भारत के सैनिक जवानों को भी मेरा नमन। मैं बस इतना कहूँगा, आज का ये पावन दिन है, ये हम पर्व की तरह मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, और हम सबको भारतीय होने पे गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।